Assalamu alaikum and welcome back to my channel Living the Mom Life. So guys, today मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि राइस कुकर है और राइस कुकर के अंदर मैं कुछ बनाने वाली हूँ, लेकिन क्या ये अभी हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास राइस कुकर है तो आप ये ना समझें कि उस राइस कुकर में से में आप सिर्फ राइस बना सकते हैं। नो, आप उसके अंदर करी बना सकते हैं, आप उसके अंदर केक बना सकते हैं, आप उसके अंदर चिकन बना सकते हैं, आप उसके अंदर मैक एंड चीज़ बना सकते हैं, आप उसके अंदर स्पेगेटी बना सकते हैं, आप उसके अंदर बिरयानी बना सकते हैं, आप उसके अंदर बहुत कुछ बना सकते हैं। सो इट मीन्स कि अगर आपके पास राइस कुकर है तो आप एक बहुत ज़बरदस्त शेफ बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि राइस कुकर दो तरह के होते हैं। दिस इज़ द बेसिक वन एंड आई लाइक दिस वन द मोस्ट। एक आपको मिलता है मार्केट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शन होता है, वो थोड़ा मल्टी कुकर साइड पे चला जाता है और उसको मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं है। इसलिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा फंक्शन वाला मल्टी राइस कुकर बाय करना चाह रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप फिर मल्टी कुकर बाय करें, फिर उसको राइस कुकर ना बाय करें, क्योंकि राइस कुकर दिस इज़ द बेस्ट द बेसिक वन। इसमें सिर्फ दो फीचर्स हैं, कुक एंड देन वॉर्म। सो जब तक चीज़ इसमें कुक होती है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वॉर्म पे आ जाता है जब तक आप इसको प्लग इन रखते हैं। ठीक है, ये तो इसके फीचर हो गए। अब इसके पार्ट्स क्या हैं, ये इसका कवर है और इसके अंदर एक इसका मेजरिंग कप आता है, ये इसका स्टीमर है, इसमें हम कुछ भी स्टीम कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स कुछ भी स्टीम कर सकते हैं, जो भी आप स्टीम करना चाहते हैं। ओके, ये इसका बेसिक बोल है और ये नॉन स्टिक है। सो ऑलवेज ऑलवेज डोंट ट्राई टू पुट स्टील स्पून इन दिस, क्योंकि फिर ये इसकी जो लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है। सो ये इसकी बेस मशीन है, बेसिक मशीन है। ओके, इसके साथ इसका एक ये स्पून भी आता है और इसको रखने की जगह भी आती है। ओके, सो मैंने आपको बताया कि हम राइस कुकर में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन 65 बिरयानी। यस, आप इसको चिकन 65 बिरयानी भी बोल सकते हैं, आप इसको फ्राइड चिकन बिरयानी भी बोल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा फैंसी नाम पसंद है तो मैं इसको चिकन 65 बिरयानी बोलती हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम चिकन 65 या फ्राइड चिकन बिरयानी इस सिंपल से मासूम से दिखने वाले राइस कुकर में कैसे बना सकते हैं। चलें मेरे साथ शुरू करते हैं राइस कुकर चिकन 65 बिरयानी बनाना। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बिरयानी के चावल और उसके साथ हमें क्या मसाला यूज़ करना है, ये मैंने 2 कप राइस हैं जो कि सोक्ड एंड वॉश्ड हैं। ठीक है, ये बासमती पाकिस्तानी बासमती राइस है, कोई भी राइस आप ले सकते हैं। दिस इज़ 2 कप्स। इसके अलावा हम इसमें लेंगे 3.5 कप वाटर और पानी के अंदर ही मैंने सॉल्ट मिक्स किया हुआ है। सो इट मीन्स दिस इज़ अ सॉल्ट वाटर एंड ऑलवेज जब हम सॉल्ट मिक्स करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि सॉल्ट की मेजरमेंट सही है कि नहीं। इसमें हमें चाहिए थोड़ा सा पुदीना, मिंट, ग्रीन चिली, कार्डमम, क्लोव्स, करी लीव्स, सिनेमन एंड दिस इज स्टार एनीस। अगर आपके पास बड़े वाले इलायची है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। एंड लिटिल बिट ऑफ ऑयल और यस 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी जनाब, तो हमने प्लग इन कर दिया है राइस कुकर को, हम ये स्टीमर निकाल देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके,
बाद हम इसमें डाल देंगे मिंट एंड ग्रीन चिली। इसके बाद जरा इसमें जाएंगे सारे गरम मसाले साबुत। फिर हम इसमें डालेंगे राइस। सारा राइस चला गया। इसके बाद हम इसमें ये पानी डालेंगे, सॉल्ट वाटर। आपके राइस हार्ड ना हो और ड्राई ना रह जाए। अब हम इस पे कर देंगे कवर और सिंपली इसको हम कर देंगे डम और ये कुक के ऊपर आ गया। ठीक है, ये जब तक कुक होता है तब तक हम अपने चिकन इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हम चिकन 65 में क्या मसाले मिलाएंगे तो उसको ओके, हमारा राइस यहाँ पे हो रहे हैं और अब हम अपनी चिकन रेडी कर लेते हैं। चिकन को हमें मैरिनेट करना है। ये मैंने बोनलेस चिकन ली है, ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स है। इसको थोड़े छोटे पीसेस में मैंने काट लिया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। थोड़ी सी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ इसलिए कि ये टर्की में बहुत ज़्यादा चिली पाउडर जो होता है वो हॉट नहीं होता। 1 टीस्पून के करीब ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 गरम मसाला, मेरे पास यहाँ पे शान का जाफरानी गरम मसाला है, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर प्लस 1 टीस्पून ऑल पर्पस फ्लावर। इनको मैंने मिक्स कर लिया है, इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल। दैट्स इट। अब हम इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स क्योंकि हमें इसको करना है फ्राई और क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और ऑल पर्पस फ्लावर है तो ये एक बड़ा अच्छा सा क्रंची सा फ्राई होता है, बहुत मज़े का लगता है। मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा चिली चाहिए तो वो ज़्यादा ले ले, सॉल्ट कम चाहिए तो कम डाल ले, जैसे भी आप डालना चाहें। मसालों की कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 टीस्पून ही, आप किसी चीज़ को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। इसको हमने मैरिनेट कर लिया, 10-15 मिनट हम इसको मैरिनेट रखेंगे जब तक हम अपना बिरयानी मसाला बना लेते हैं। ओके, तो हमें अपनी चिकन 65 बिरयानी बनाने के लिए इसमें एक मसाला बनाना होगा, जिसके लिए हम लेंगे 1 कप योगर्ट, उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला,
शान का, नेशनल का, जो भी आप डालना चाहें। 2 टेबल स्पून के करीब मेल्टेड बटर, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। बिल्कुल जबरदस्त है। अगेन, आप मसाला, बिरयानी मसाला ज़्यादा डालना चाह रही हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा मसाला मैं माइल्ड रखूँगी। ओके, ये हमारा बिरयानी मसाला रेडी हो गया। इसको भी हम एक साइड पर रख। चलें तो फिर हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारी बिरयानी कहाँ तक पहुँची। ये देखें, और ये गरम। ये ऑलमोस्ट 80% के करीब डन हो गए हैं राइस। अब हम इसके अंदर ये जो मसाला हमने बना के रखा है वो हम इसमें डालेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे, ठीक है। दही को हम इसको साइडों में डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे। और बीच में हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है। अब इसको हम ढक्कन ढक देंगे। अभी भी देखें, ये कुक पर ही है। चले फिर अब हम अपने तो अब ये देखें हमारे राइस रेडी हो गए, लेकिन अभी कम्प्लीटली डन नहीं हुए हैं क्योंकि अभी दही इसमें ऊपर दिख रहा है। तो अभी हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। और आप ये चेक करें कि ये वॉर्म के ऊपर आ गया, क्योंकि इसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद ये वार्मिंग पे आ जाता है। 15 मिनट्स तक ये वार्म रहता है, उसके बाद हम इसको चाहें तो दोबारा से कुक के ऊपर कर सकते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसको करने की, क्योंकि इसी वार्म टेम्परेचर पे ही हमारे राइस अच्छे से रेडी हो जाएंगे। उस वक्त तक हम यहाँ पे ऑयल गरम कर रहे हैं ताकि हम अपनी चिकन फ्राई कर सकें। ओके, हमारी चिकन जो है ऑलमोस्ट डन होने वाली है। हमें इसको क्रिस्पी करना है तो अभी हम इसको थोड़ी सी देर और छोड़ेंगे इसके अंदर। ओके, हमारी चिकन हो गई है। अब हम इसको अपने राइस में ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं चिकन के अंदर। बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको हम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम दम पे छोड़ देंगे। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। हाँ, जबरदस्त सी खुशबू एंड जबरदस्त सी राइस। तो जनाब, आपका ये चिकन 65 बिरयानी राइस कुकर के अंदर रेडी है। हम इसको डिश में निकालते हैं। अब ये हमारी चिकन 65 फ्राइड चिकन बिरयानी इन राइस कुकर रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे मिंट रायते के साथ। बहुत ही मज़े की, माइल्ड, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर जिस जिस के पास भी राइस कुकर है तो देर ना करें, कल के लंच मेन्यू में इसको बनाएं। और मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताएं, पिक्चर्स भेजें।
और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी बनाने में और टेस्ट में। मसालों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत माइल्ड रखा है मसाला, इसलिए कि मुझे अपने बच्चों के लिए बनानी थी। इसको हम बिरयानी की तरह थोड़ा सा स्पाइसी भी बना सकते हैं। ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक भेजें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस रेसिपी पे कमेंट ज़रूर करें। मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर आएंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक टाटा बाय बाय खुदा हाफिज़।